नेक्स्ट डिश आ चुकी है हमारे पास, सिजलिंग हॉट डोसा। तो गाइस इसकी जो दिख रहा है आपको, बिल्कुल काफ़ी काफ़ी डेकोरेशन, काफ़ी सिजलिंग डोसा है जो कि आपको नॉर्मली नहीं दिखने मिलेगा, जो आप स्ट्रीट से डोसा खाते होंगे। हाँ जी हाँ, मेरे को भी पता, मैंने भी स्ट्रीट डोसा खाया, बट ये धुआ, ये चीज़ अट्रैक्ट करती कोई भी डिश को। एंड सी गाइस, इसमें जो गार्निशिंग की है, जो गार्निशिंग की है डोसे पे, वो चीज़ से, जो कि काफ़ी अलग बात है। और बीट रूट को किसा गया, और आप देख सकते हैं इसकी गार्निशिंग कितनी अट्रैक्टिव है। तो ये डोसे की भी बात अलग है, और ये सिजलिंग डोसा काफ़ी अलग दिखने को मिला है। और जब तक आप इसके साथ सांभर नहीं खाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि डोसा खा रहे हो आप। सो गाइस चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो चलिए, ये काफ़ी, ये एक लंबे डोसे को इसको रोल करके हमको दिया गया है, और ये गाइस नागपुर में पहली बार है। जी हाँ, नागपुर में पहली बार सिजलिंग डोसा आपको दिखने को मिलेगा। फूड बक्स में, SFS में आपको ये डिश मिलेंगी। तो गाइस ऑर्डर कर लेना, मैं तो खाता हूँ गरम गरम, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो मेरे को खुद को मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो ये हमने ले लिया एक केक। काफ़ी गरम लग रहा है, मैं तो चाहूँगा कि गरम गरम खाऊँ। इसके साथ मैं लूँगा थोड़ा सा सांभर, काफ़ी गरम है इसको, थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूँगा। हाय, ऐसे फैशन में तो मार डाला गाइस, रियली इसका जो टेस्ट है, इसकी जो स्मूथनिंग है, काफ़ी अलग है। काफ़ी फ्रेश आलू, काफ़ी गर्मा गर्म आलू, और इसका जो बीट रूट और चीज़ी है, ये जो बीट रूट और आपको चीज़ दिख रहा है, ये काफ़ी निखर के आ रहा है, काफ़ी टेस्ट दे रहा है। तो गाइस मस्ट कम हियर एंड डू टेस्ट। गाइस मैंने तो एक बाइट ले लिया, बट मैं तो खुद को रोक नहीं पा रहा, तो इसके साथ मैं अभी चटनी ट्राई करूँगा। कॉमनली चटनी रहती है कोकोनट की, ये भी कोकोनट की है, बट बनाने का तरीका और कोकोनट कुछ अलग है। तो देख ले, अरे बाप रे, गरम था तो मिनट। इसकी प्राइस है गाइस ओनली 120। जी हाँ, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं, काफ़ी आनंद ले सकते हैं 120 में। और हल्दीराम का भी रेट देखेंगे तो हल्दीराम, बाकी इधर भी बेसिक डोसा आपको मिलेगा 160, 150, 140, 130 पेपर ये वगैरह डोसा। बट यहाँ पे इतना औसम दिखने में भी और खाने में भी डोसा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 120। सो गाइस थर्ड डिश की तरफ हम आ चुके हैं, इसका नाम है वेजी क्लासी रोल। जी हाँ, वेजी क्लासी रोल में ही आपको पता चल जाएगा इसमें है क्या। इसमें पुटिंग पूरी वेजिटेबल्स की है, लाइक अनियन, कैबेज, कैरेट्स, और काफ़ी जो जितना बोलो उतना कम है। तो गाइस ये पूरा प्योर वेज है, तो आइए इसको ट्राई करते हैं। इसके साथ है चटनी नहीं है, बट इसके साथ है अनियन, काफ़ी कलरफुल और काफ़ी यम्मी दिख रहे हैं। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। हाँ गर्म है, एक मिनट। सो हियर वी गो। लेट मी फिनिश फर्स्ट गाइस, काफ़ी यम्मी है, जितना गार्लिक है इसमें और जितना गार्लिक का फ्लेवर है, काफ़ी ऊपर आ गया, काफ़ी यम्मी लग रहा। और ये जो है, ये रोल है मैदे की चपाती जो बोलते हैं ना, उसके अंदर ये पुटिंग की गई है, और काफ़ी यम्मी और काफ़ी टेस्टी डिश है। तो गाइस गेस करो इसकी प्राइस, इसकी पुटिंग आप देख सकते हैं कितना यम्मी, कितना बटरिंग, कितना सही लग रहा है। इसका प्राइस बताओ गाइस, मैं बताऊँ प्राइस कितना है, जितना आप पानी पूरी खाते ना उतना ही इसका प्राइस है, ओनली और ओनली 70। जी हाँ, 70 इसका प्राइस है। हाँ इसका प्राइस 70 है। तो गाइस प्लीज़ आओ और कम में बम खाते। तो हेलो गाइस, तो आज के फूड बस में
और यहाँ पे एक टाइप की स्ट्रीट है, एक टाइप की चौपाटी है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे नागपुर में। तो गाइस फूड बॉक्स में एक स्टॉल है NRI, यस NRI, तो वही की एक डिश है हमारे पास जिसका नाम है मेटिंग देसी गार्डन। सही सुने आपने, बोलने में थोड़ा दिक्कत है लेकिन काफ़ी इतनी ही टेस्टी इसकी डिश। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, पहले ये डिश देख लीजिए, ये डिश की खासियत है इसकी ब्रेड, क्योंकि ये ब्रेड का दिया नाम है सिया वाला। जी हाँ, इसका मेन जहाँ से ये आया ब्रेड उसका नाम है सिया वाटा, और अपने इंडिया में आके इसका ब्रेड का नाम है पनीनी, ये ब्रेड का नाम है पनीनी। तो आइए हम कस्टमर का देश से गाजी से कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है तो इसको हम एक बार टेस्ट करेंगे। तो आइए, काफ़ी ब्रेड काफ़ी स्मूथ है, अपने आप की ब्रेड मुझे तो अरे वहाँ पर ऐसे ऐसे चक्कू से काटो टाइप है, लेकिन ये ब्रेड पनीनी ब्रेड काफ़ी कितनी क्रीमी और कितना स्मूथ ब्रेड है। तो हम थोड़ा टेस्ट करेंगे इसको, आजकल इसकी ब्रेड है पनीनी ब्रेड, क्योंकि ये डिश को सबसे अलग बना रही है। ये ब्रेड काफी निखर के आ रही है, ये ब्रेड में अलग ही सॉफ्टनेस है, अलग ही क्रीमी पन है, अलग ही ताजा पन है। तो गाइस मैं तो खा चुका हूँ, मैं तो खा लूँगा पूरा, रही बारी आपकी। तो आपको आना है ये कैफे NRI में आके आपको ये ऑर्डर करना है और अपने कपल के साथ फ्रेंड के साथ इसका मजा लेना। ये कीजिए इसकी प्राइस, जितना आपको इतना बेहतरीन इतना प्यारा डिश लग रहा है, इसका प्राइस आप गेस कर रहे होंगे 400 अबाउट, बट इसका प्राइस है 40 और 50 की, यहाँ 180।